हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम डेली वीडियो बना रहे हैं तो लंबा नहीं करेंगे, वैसे भी इंटरनेट स्पीड थोड़ा कम है, तो हम खाली एक मिनट में एनालिसिस करेंगे कि हमने बोला क्या था ट्यूजडे के लिए। ट्यूजडे के लिए अगर आपको दिखा होगा, हमारी व्यू यही थी, सेल ऑन राइज की हमारी व्यू थी। मैंने ये जोन बनाया था सेल का, अगर आप देखोगे तो निफ्टी एग्जैक्टली फ्रॉम इसी लेवल से आया है और दूसरी टाइम भी जब गया इसी जोन का लोअर लेवल टच करके सेल दिया है। ठीक है, ये व्यू जो था यहाँ तक हमारा परफेक्ट था 130 तक, जब तक बैंक निफ्टी में न्यूज नहीं आई। अगर आप देखोगे निफ्टी के अदर इंडेक्सेस आर नॉट दैट कंट्रीब्यूटिंग, बैंक निफ्टी ने जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है सेंकेट डाम में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूज। क्या ये जो बुल रन है हमारी एक्सपेक्टेड थी? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेड नहीं थी, ये तो हम पकड़ नहीं पाए। मतलब बैंक निफ्टी में तो मैंने पकड़ा था, मैं सेल में था। आइडियली आई विल टेल यू हाउ डिड आई डू इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, सो बैंक निफ्टी में व्हाट आई हैव डन इज, आइडियली बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था कि दिस इज व्हाट, इफ द मार्केट गोज अप दिस इज एक्चुअली आवर सेल जोन, एंड इन द सेल जोन आइडियली वी वुड एक्सपेक्ट ए सेल। लेवल तो हमने दिया नहीं था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अप टू डेज लो। जब ग्रुप में ये वाली सेल भी आ रही थी ना, मैंने ये सेल भी लिया था, एंड देन आई वॉज सेड आई विल वेट फॉर द रेड कैंडल अप टू दिस लेवल, राइट? आई विल वेट फॉर द रेड कैंडल अप टू दिस लेवल, एंड यहाँ पे मेरी जो थी, यहाँ पे मेरी स्टॉप लॉस जो हुई थी वो ट्रेल हुई थी, और ट्रेल के बाद ये जो कैंडल थी, मैंने यहाँ पे बोला था इट वॉज ए गुड कैंडल, यहाँ पे जो कैंडल बनी थी मेरी, इस कैंडल के बाद यहाँ ये कैंडल ने मेरा ट्रेल स्टॉपिंग ट्रेल स्टॉप लॉस बेसिकली जो ट्रेलिंग, सॉरी इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ये कैंडल ने मेरा कट किया, एंड ग्रुप ने हमारे लोगों ने बोला बिकॉज दिस लेवल विच वॉज दिस ब्लैक लेवल, ये 1 2 3 थर्ड टाइम टच करके ये फोर्थ टाइम आइडियली ब्रेकआउट मार रहा था। आइडियली इफ यू लुक एट दिस लेवल, दिस इज 1 2 1 थर्ड टाइम टच। तो ग्रुप ने किसी ने बोला कि ये थर्ड टाइम टच है तो शायद ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, सो मैंने यहाँ पे कट किया। और क्या मैं ये बाय लिया? नहीं, मैं ये बाय नहीं लिया बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑफ ए बिग अप मूव। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाएगा, और ये कैंडल तब तक बन चुका था तो मेरे लिए स्पेस नहीं था बाइंग के लिए, ऐसे कि 20-30 पॉइंट बाइंग में लेके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ओवर ट्रेडिंग हो जाता है बिकॉज यहाँ पे मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट हो चुकी थी। सो दैट वाज द ट्रेडिंग ऑन बैंक निफ्टी। दिस मूव वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट इट वाज हैपेंड बिकॉज ऑफ द न्यूज, बट विच इज फाइन, थिंग्स लाइक दैट हैपनिंग, यू शुड ऑलवेज नो व्हेन टू कट योर स्टॉप लॉसेस, राइट? तो हमने स्टॉप लॉस कट किया, बट जो हमने मॉर्निंग में, मेरे ख्याल से मैंने दो सेल लिए थे, एंड मॉर्निंग में भी लिया था, एंड दिस वाज माय सेकंड सेल बिकॉज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू कम डाउन अ लिटिल बिट मोर। आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट डे लो पे आसपास होना चाहिए बिकॉज़ द एक्सपेक्टेशन वाज रेंज बाउंड, बिकॉज थर्सडे हम लोग गैप डाउन के बाद बाइंग जैकपॉट का एक्चुअली आइडियली सिनेरियो सोच रहे थे। नाउ पीपल विल आस्क दैट कैन दे गेट द बाइंग जैकपॉट अगेन ऑन थर्सडे, आई थिंक यस। सो दिस वॉज द ट्रेडिंग ऑन ट्यूजडे। सो अगर थर्सडे की हम ट्रेडिंग करेगा, थर्सडे की मेरी जो पर्सनल एक व्यू रहेगी, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, बहुत दिनों बाद मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, जनरली ड्रॉ नहीं करता। इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट टू पॉजिटिव एंड मार्केट स्टार्ट गोइंग अप, दिस इज माई सेल जोन। दिस टाइम द सेल जोन इज वेरी वेरी लो गाइस, एंड 10-15 के आसपास ये सेल आ जानी चाहिए, और ये सेल लंबा होना चाहिए मिनिमम यहाँ तक, मैक्स पिवट तक 31,460 तक, but I will take up to here and then consolidation and around 130 we would see and jackpot buying on this side ideally, and this jackpot buying I would try to take. So we will take this sell and we will take this buy again, and this is my selling zone, and this zone is ideally, it's a very very small zone, rather big zone like this jo hamara pehle tha. This is a small zone I have. The level is exactly at R1, higher level, 31,197. And the lower level of this is actually 32,140. So this is around 50 points ka zone hai sell ka. And this mark that I am giving you guys, it's around 10 o'clock.
हाँ ये 10:35 के आसपास आ रहा है, मतलब एक्चुअली आफ्टर 10 o'clock दिस माइट हैपन दैट वी माइट सी अ बिगर सेल. नाउ ए लॉट ऑफ पीपल विल थिंक दैट लुकिंग एट एसजीएक्स निफ्टी दैट प्रोबेबली इट विल गो ऑन टू अ वेरी वेरी हाई लॉन्ग रन, बट टुमारो इट इज नॉट पॉसिबल. आई एम नॉट थिंकिंग दैट इट इज पॉसिबल. एंड बैंक निफ्टी दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन, दिस वुड बी माई पर्सनल चॉइस. ओके नाउ देर आर टू मोर सिनेरियोस. इफ दिस डज नॉट हैपन राइट and market directly opens above 32,200, then we will not sell, we will sell till R2, but this would be again discomfort sell. If market touches here, it might not come down heavily. It might just give you some reaction and then consolidate here. We'll still take a sell on a live if this scenario happens, right? The scenario is if market opens above 32,200, okay? Now, if market opens gap down, which looks very, very rare, देन हमारा लेवल जो बाइंग का है वो ये है 31,460 हमारी जो पीवर्ड है, अगर ये जहाँ पे ग्रीन दिखेगा ओके, अदरवाइज हमारी सिनारियो यहाँ पे आती है 31,300 के आसपास. 31,300 वुड बी एन परफेक्ट बाइंग क्योंकि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट अगर आता है. दिस वुड बी ए वेरी वेरी कम्फर्टेबल लेवल फॉर बाइंग 31,300 ओके, बट बाइंग यहाँ से भी आ सकती है, बट ये सिनारियो होगा नहीं. तो अगर होगा तो आपको देखना है यहाँ से बाएंगे यहाँ से बाएंगे, मैं लाइव में देने की कोशिश करूंगा. बट माई प्रिफरेबल सिनारियो इन मार्केट टुमारो विल बी दिस. टुमारो मार्केट विल स्टिल क्लोज पॉजिटिव, मार्केट विल स्टिल क्लोज पॉजिटिव ग्रीन, बिकॉज हमारा जो एक व्यू था कि 15th April के बाद मार्केट विल गो इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन राइट. सो दिस इज ऑन बैंक निफ्टी. आई विल कम टू निफ्टी. एंड इफ यू लुक एट ए डेली टाइम फ्रेम, थोड़ा ऑफ कर देते हैं, अब यू डोंट नीड इट. सो इफ यू लुक एट ऑन ए डेली टाइम फ्रेम राइट, हमारी जो फ्लैग पैटर्न की जो टारगेट थी रिवर्ट वाली, वो टारगेट यहाँ तक थी. यहाँ तक आता तो एक कॉन्फिडेंट हम बाइंग करते, बट ठीक है, दिस इज दिस काइंड ऑफ, जरूरी नहीं है कि मार्केट आपको 100% टारगेट देके जाए, 90% टारगेट इज एनफ. सो दिस टारगेट इज अचीव. आई डू नॉट थिंक बैंक निफ्टी इज गोइंग टू ब्रेक दिस लेवल फॉर नेक्स्ट 15 days. ओके तो नेक्स्ट डेट इज अराउंड 27 April. उससे पहले और एक डेट है 23 April का, दैट डेट आई विल गिव यू गाइस ऑन माय डेली एनालिसिस ऑन फ्राइडे. ओके सॉरी वीकली वीडियो एनालिसिस ऑन फ्राइडे. टिल दैट टाइम वी विल सी, बट आई पर्सनली टिल 27 April प्रोबेबली वुड नॉट लाइक टू बी इन ए सेल ऑन राइज मोड एनी मोर. आई विल गो इन ए बाय ऑन डिप्स मोड एटलीस्ट 27 का मैं बाद में कंफर्म करता हूँ. 23rd April तक do not get into a sell and rise mode, go into a buy on dips mode. And bank Nifty should cut this swing this time. Before that, it should not come down. Okay, so my target would be around 34,000 के आसपास up to 27. Okay, ये और भी बढ़ा जा सकता है depending upon the move, कितना furious move कर सकता है. ये 23rd को भी आ सकता है, 27 को भी आ सकता है. तो हम लोग 23rd का टारगेट लेके चलते हैं. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 6 to 7 days, एंड 7 days में वी आर टॉकिंग अबाउट 2,200 points. ओके 7 days में वी आर टॉकिंग अबाउट 2,200 points, सो विच इज अराउंड 300 points ऑन एन एवरेज. वैसे स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा गिरते हुए जाएगा, बट अल्टीमेटली ये बाय ऑन डिप्स में मार्केट होना चाहिए. 23rd April तक मार्केट को सेल मत करना. ओके दैट इज व्हाट माय टाइम साइकिल एनालिसिस इज सेइंग. एंड आई विल पुट ए 23rd का डेट हियर, एंड देन वी हैव ए 27. ओके सो वी विल जस्ट पुट इट एज ए कंफ्यूजिंग कलर, वी विल सी इट लेटर. ओके कल का जो डेली वाला दिया है एनालिसिस उसके ऊपर आई वुड प्रिफर इन दैट वे. सो निफ्टी ऑल्सो सी निफ्टी ऑल्सो आज भी अगर देखो एसजीएक्स निफ्टी कहाँ तक गया, 790 तक गया मेरे ख्याल से, 790 तक गया और यहाँ पे हमारा 784 का लेवल है. इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल. मैंने ग्रुप में बोला भी कि डिस्कशन ग्रुप में कि 14,780 इज ए प्रॉफिट बुकिंग जोन फॉर निफ्टी. सो निफ्टी एंड एसजीएक्स निफ्टी कुछ भी ले लो, ये ऑलरेडी 100 points डाउन हो गया था वहाँ से, ठीक है यहाँ से. सो कल अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मैंने जैसे बोला कि हॉलीडेज के वजह से हमें कमाने का मौका नहीं मिलता, बट अगर मार्केट कल बाय चांस यहाँ पे ओपन होता है लाइक एसजीएक्स निफ्टी, आई विल गो फॉर ए ब्लाइंड सेल ऑफ 100 points इजिली. बट आई डोंट थिंक इट विल ओपन हियर. माय पर्सनल व्यू इज मार्केट एक्चुअली वुड ओपन समर अराउंड 650 ये रेंज में, 650 to 700 बेस्ट केस.
worst case around this level, a little bit around R1, okay, 5-600 ke aaspaas, okay, 580 to 600 worst case. Best case is 650 to 700 ke range. So we'll see opening. That is that. So if market is opening here, okay, then we will see selling after 930-940 itself. I don't think market will go beyond 14,700 tomorrow if it is opening here. Okay, if market is opening around here, around R1, so I think that it might go up to 653 ka level tomorrow. Ye jo hai, and this will be a perfect level for us to sell. Okay, aur ye previous day ka high bhi hai. So there are two levels which are coinciding exactly at the same. Mera level 652.5 ka hai. Previous day ka high. Okay. Let's see. Sorry for the disturbance. So if market is opening around here, I would still look for a sell, because my personal view is in the morning market can just go up. 653 से एक लंबा सेल लेंगे और लंबा सेल आप यहाँ तक ले सकते हो, 14,450 तक इजीली हम ले सकते हैं. 450 वुड बी ए लॉन्गर वन. सो वी विल सी. आइडियली 450 तक तो आ जाना चाहिए, थ्योरी के हिसाब से आना चाहिए. 450 एक बार टच करना चाहिए, देखते हो टच करता है कि नहीं करता है. राइट, तो यू कैन इजीली टेक ए 100 to 150 पॉइंट सेल एटलीस्ट दिस डेज हाई के आसपास. सो दिस इज अराउंड 520, या सो 120 पॉइंट का सेल तो मिनिमम ले सकते हो, उसके बाद रेस्ट इज बोनस. यहाँ तक आना चाहिए. दिस इज लाइक 200 पॉइंट सेल, सो आई एम नॉट श्योर कि 200 पॉइंट का सेल देगा या नहीं देगा. सो माय पर्सनल चॉइस वुड बी आइडियल दिस, एटलीस्ट यहाँ तक कंसोलिडेटिंग हियर एंड देन अल्टीमेटली निफ्टी विल गो अप. निफ्टी शुड क्लोज पॉजिटिव गाइस टुमारो. Okay, like Bank Nifty, this is what it is going to do. This fall might start around 940-950. Okay, and this would be my preferable scenario. If market is opening here, then my sell might start around 930 itself. I am probably in a favorable situation of selling the market in the first half for sure. My strong view is saying that, and we might see a buying jackpot in the second half. Okay. Now if market gaps down, which it doesn't look like, if market gaps down, buy from this level. So this was our supply. Now this supply becomes a demand kind of stuff. So we can buy from 450. 450 to 430 range we can buy. Any level in between these two. Okay, so 450 to 430 ke level se you can buy if it gaps down, but I don't think it will happen. Okay, so concentrate on the scenario. Opening at this level or opening at this level. If it is opening here, my sell starts exactly after 9:30, somewhere around 9:40 ke aaspaas. And if it is opening here, I will allow market to go first 30-40 minutes upside, and then around 10-10:15 I will try to sell, and around 1:30 I will try to take a buying jackpot. Okay, so we'll try to capture this fall, we'll try to capture this up move, both side. Baki dekhte hain. Market is supreme. Opening is important. If the scenarios and the opening levels are not matching, guys, then probably we need to see it in live based on price action. Okay, मैं जो बोल रहा हूँ exactly match होना चाहिए. Match नहीं होगा तो ये exact जो movement है वो ऐसा नहीं आएगा. ठीक है, thank you.